टेंथ का टॉपिक आज हम लोग करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कि पता क्या 6 मार्क्स का पेपर आना है, ठीक है। उसमें से क्या है देखो, सबसे पहले हम लोग करेंगे एपी। व्हाट इज एपी? एपी सीरीज है क्या? A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन, क्लियर। A1 इज द फर्स्ट टर्म एंड An इज द लास्ट टर्म, क्लियर। उसके बाद हमारे पास डी। व्हाट इज डी? कॉमन डिफरेंस, मींस की टर्म्स में आपस डिफरेंस कितने कितने का है, क्या फॉर्मूला है A2 - A1 या फिर A3 - A, क्लियर। एंड An का फॉर्मूला क्या होता है लास्ट टर्म का, A+N-1D, क्लियर। उसके बाद सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, SN(n/2)2AN-1D। अगर आपको A और D गिवन है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अदरवाइज हम लोग अप्लाई करते हैं N/2A+N। व्हाट इज आवर लास्ट टर्म, क्लियर। नेक्स्ट टर्म हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन में आप लोग देखो, हम लोग करेंगे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी टर्म्स, विच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन पेपर में आपको पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज की फाइंड कॉमन डिफरेंस A13 - A6, क्या फाइंड करना है हमने, कॉमन डिफरेंस। A13 मीन्स की A+13 - 1D, क्लियर। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप सीधा लिख सकते हो 13 में से 1 माइनस करके, A+12D A+5D, क्लियर। अब हमारे पास यहां पर A+12D - A+5D, यहाँ पे देखो माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, ये कैंसल, 12D - 5D कितना आ गया हमारे पास, 7D, क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी -1, 4, 9, 14 up to so on 129, कौन सी टर्म है ये एपी की, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ A1, A2, A3, A4 and this is an AN, क्लियर। सबसे पहले डी, A2 - A1, 4 - -1, माइनस माइनस प्लस, दैट इज अ 5, क्लियर। क्या आंसर आया इसका, 5। अब हमारे पास ए एन की वैल्यू कितनी है, 129। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, A+N-1D। ए क्या है हमारे पास, -1, N-1, डी की वैल्यू क्या है, 5। अब ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा, प्लस, 129 + 1 = 130, N-1, अगर 5 यहां मल्टीपल में है तो उस साइड जाकर ये क्या होगा, डिवाइड, 5 × 5, 5 × 10 and 5 × 6 = 30, -1 उधर जाके क्या हो गया हमारे पास, प्लस, तो हमारा आंसर क्या आया, 27। बेटा ये 100% श्योरिटी होती है इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की, बस आपको सिर्फ डिजिट का चेंजेस मिलेगा, हाउ मेनी टर्म्स भी आ सकता है, विच टर्म की बजाय एंड विच टर्म भी आ सकता है, क्लियर। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी
6. Find A 17 minus A 8. हमने क्या find करना है? A 17 minus A 8. सबसे पहले देखो A 17 minus A 8. A 17. A plus 16 D. A plus 70. A plus 16 D. Minus A. Minus plus. Minus. Cancel. 16D minus 70, that is a 9D. D की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6. तो हमारे पास आंसर कितना आया? 96 का 54. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से आपको मिलेगा. एक क्वेश्चन पक्का 100% श्योरिटी है. सम ऑफ टर्म्स. कौन से है वो? सम ऑफ टर्म्स. सपोज वो कह रहा है कि हाउ मैनी टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6. वो कौन से टू डिजिट नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 6 है? पहले तो टू डिजिट नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से. 10 तो 6 से डिवाइड नहीं होता, 11 भी नहीं होता, तो कौन सा नंबर है? 12. क्लियर? 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, अप टू सो ऑन. लास्ट डिजिट हमारा कौन सा आएगा? 100 तो होगा नहीं, 100 तो 3 डिजिट है. 99 भी नहीं है. 98 6 से डिवाइड होता है? नो. 97 होता है? नो. 98 चेक कर लो, नहीं होता. 96 होता है. कौन सा है? 96. So that is a A1, A2, A3, up to so on AN. Clear? D is a A2 minus A1, 18 minus 12, that is a 6. AN hamara kya hai? 96. A plus N minus 1 D equal to 96. A ki value kya hai? 12. D ki value kya hai hamare paas? 6. N minus 1, 6 equal to 96 minus 12. 96 minus 12, 84. ये 6 उधर जाके क्या हो गया? Divide. 14. तो N minus 1, 14. N equal to 14 plus 1, that is a 15. कितने नंबर है जो 2 digit नंबर है जो divisible by 6 है? 50. क्लियर? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके. अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट. फाइंड द सम ऑफ